नमस्कार दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे एक आप कह सकते हैं जो स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे पूछा। उन्होंने पूछा कि आजकल जो ज्योतिष की जो एडवर्टाइजमेंट है, जो पहले एक विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही थी, उससे आगे बढ़कर ग्लैमर या सेलिब्रिटियों के फीडबैक के अनुसार दी जा रही है, और क्या वो एक आम व्यक्ति तक इस प्रकार की फीडबैक देना ठीक है? ये उनका क्वेश्चन था। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सेलिब्रिटीज, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, सेलिब्रिटी मतलब रिनाउंड पर्सन, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो जो भी ऐड करते हैं, जो भी प्रोडक्ट की ऐड करते हैं, वो उस प्रोडक्ट को यूज करते ही नहीं। जब वो उस प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करते, जैसे कोई साबुन की ऐड कर रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक की कर रहा है, कोई वॉशिंग पाउडर की कर रहा है, कोई किसी भी प्रकार की एक्स वाई जेड की मार्केटिंग कर रहा है, सेलिब्रिटी कभी भी उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, लेकिन उनकी एक फेस वैल्यू होती है, उस फेस वैल्यू का वो चार्ज लेते हैं, अपना उस हिसाब से प्रोडक्ट बिकता है। तो यही चीज उन्होंने पूछा कि जो एस्ट्रोलॉजी में हो रहा है तो क्या वो ठीक है? तो मैं ये नहीं बता सकता, एक आम आदमी की अगर दृष्टि से देखूं वो मैं किस साइड अपना आंसर दूं, लेकिन एक ज्योतिष का छात्र होने की वजह से जो एक क्वेश्चन पूछा गया है वो मुझे बताना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी एक स्टडी स्टूडेंट ने है जो मुझसे एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, तो मुझे उनको बताना भी है और बताना सही है। लेकिन क्योंकि यूट्यूब पे भी मेरे जो सब्सक्राइबर मुझसे जैसे जैसे जुड़ रहे हैं, या जिनको मेरी एनर्जी प्रिडिक्शन देने की ठीक लगती है, उनके साथ भी मेरा कुछ टॉपिक्स को लेके कनेक्टिविटी बनती है, उनको भी बताना मेरा फर्ज है। देखिए, इस प्रश्न का जो मैं उत्तर दे रहा हूँ वो आपको प्रश्न कुंडली के द्वारा दे रहा हूँ, क्योंकि कोई एडवर्टाइजमेंट करने वाला कंपनी का मालिक या उसको मार्केटिंग करने वाला उसका सेलिब्रिटी, मेरा किसी के पास कोई चार्ट नहीं है और ना ही मैं किसी के ऊपर इमेज के ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ। देखिए, जो प्रश्न बनाया गया है वो जब आज बनाया गया तो यहाँ पर 4 नंबर कर्क राशि का लग्न उदित हो रहा है। कर्क राशि जो है वो चर राशि में आती है, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइम जो पूछा गया हुआ है, उसकी स्थिति आगे चल के बदलने वाली है। दूसरी बात, जब भी लग्नेश का संबंध 12th हाउस से बन जाएगा तो उस क्वेश्चन के लिए वो ठीक नहीं है। क्वेश्चन की पॉजिटिविटी के लिए वो जो हमें उत्तर देना है वो ठीक नहीं है, यानी उत्तर जो है पूछा गया है तो हम क्या दें या नहीं दें, वो एक वो तो मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूं कि भाई यहाँ पे जो मून है, चंद्रमा है, वो शुक्र के साथ 12th हाउस में चला गया, और इसमें बहुत सारा एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व होता है, इसमें बहुत सारा शुक्र भी इन्वॉल्व होता है, तो ये सब कुछ यहाँ पर, और शुक्र और जो चंद्रमा है वो दोनों पैसों को ही एक तरह से डिनोट करते हैं। वो 12th हाउस में गए तो वो वे हाउस में जा रहे हैं, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, हम कारक को बहुत लेते हैं। अगर एक एस्ट्रोलॉजर को गुरु की तरह लें, या एस्ट्रोलॉजी का जो कारक ही अगर हम गुरु को ले लें, थोड़ी देर की बात है, कुछ लोग केतु को लेना पसंद करेंगे, कुछ शुक्र को लेना पसंद करेंगे, लेकिन अगर कोई किसी एस्ट्रोलॉजी के एस्ट्रोलॉजर के पास आता है तो उससे एक तरह से एडवाइजर की रूप में उससे मिलता है और उससे एडवाइस लेता है, वो उसको उम्मीद करते हैं कि उसको ठीक देगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो गुरु को अगर मैं कारक लेता हूँ, वो खुद केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है,
राहु भी जो है इस टाइम पे अश्विनी के नक्षत्र में है, और जो बुध है वो एक्चुअली भरणी के नक्षत्र में चला गया है, जिसको हम आप कह सकते हैं कि मार्केटिंग का जो मरकरी है वो कम्युनिकेशन या सेल्स एंड मार्केटिंग का कारक है। इन तीनों ग्रह का दशम भाव में बैठना इस चीज को तो अवश्य ही इंडिकेट करता है कि ये काम के लिए अगर कोई भी आदमी करता है अपनी बढ़ोतरी के लिए, हमें उसको क्या नेगेटिव और पॉजिटिव बोलना चाहिए, क्योंकि 10th हाउस में चले जाना कारक का काम के लिए, अगर वो चाहे उसमें कितनी सच बोलता है कितनी झूठ बोलता है, हमें इस टाइप को रूल्ड आउट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन की जो वैलिडिटी है वो वैलिडिटी को यहाँ दिखाता है। और जो बुध है जहां पर चंद्रमा जाके बैठा है लग्नेश होके, वो 12th हाउस का लॉर्ड भी है, और जो बुध है वो 3rd हाउस का भी लॉर्ड है, जो कि कारक है कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजमेंट का। तो इन दोनों ही केसेस में अगर हम देखेंगे कि बुध का गुरु के साथ या लग्नेश का बुध के साथ कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या मनी के साथ आंसर कनेक्शन बन रहा है, साथ में जो है जो गुलिका और मांडी जिसको हम कहते हैं कि एक नेगेटिव इफेक्ट देता है, वो भी इस पर्सन कुंडली में 3रे हाउस में आया है। तो इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखकर मुझे एक आंसर देना हो तो मैं स्ट्रेट वे ये कहूंगा ये उचित नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया उस जातक ने पूछा, और मैं फिर ये सोचा सबके साथ इन्फॉर्मेशन शुरू करें क्या शेयर की जाए। देखिए, किसी से एस्ट्रोलॉजी के मामले में झूठ बुलवा कर ये एडवाइजमेंट कहना कि इस व्यक्ति की वजह से ही मेरी जिंदगी बदली है तो ठीक नहीं है, अगर उन्होंने बदल दी है तो बहुत अच्छी बात है। एक और इसके बाद कि हम खाली जो प्रश्न कुंडली बनाते हैं उसमें बहुत सारे जो उस टाइम का पंचांग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज 3rd डेट है, शुक्ल पक्ष की तृतीया डेट है, सोमवार का दिन भी है, नक्षत्र भी मंगल का है, और आप देखेंगे इसमें जो करना है वो भी तय तुला, उसका स्वामी जो है बुद्धि बनता है। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें तो कार्य के क्षेत्र में कुछ काम किया गया अपने आप को बढ़ाने के लिए एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन किसी से क्योंकि राहु वहां बैठने की वजह से काम के प्रति झूठ बुलवाना, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और सच बेसिस पे कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर झूठ बेस के या चीटिंग बेस के या कि अपने कोई ज्यादा डिजायर की ग्रिड की वजह से कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा काम रिजल्ट नहीं देने वाला है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जुपिटर और राहु का कुंडली में हो जाना आपको गलत असर ही देगा। और ये खाली D1 यानी राशि चार्ट में नहीं या D9 में अकेले में नहीं, ये दोनों में ही राशि कुंडली में या लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में दोनों ही गुरु और राहु जो हैं वो दशम भाव में बैठे हुए हैं। तो इसी और नवांश कुंडली में जाके ये बुध की राशि में ही बैठे हैं, और बुध फिर वहां पर 12th हाउस में चला गया है, एंड रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं बता रहा। हाँ, जो लोग प्योरिटी के साथ और सच्चाई के साथ कर रहे हैं उनके लिए, जो स्पिरिचुअलिटी के लिए कर रहे हैं, जो सही संदेश देने के लिए कर रहे हैं, और एक लिमिट में ही प्रोडक्ट का जिसका वेरिफिकेशन किया जाता है उस लेवल की मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको कोई भी इस चीज से दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरी बात, एक और जब लास्ट वाइंड अप करके रिजल्ट का जो नेगेटिव आंसर को मैं बता रहा हूँ, पुष्या नक्षत्र में ही लग्न उदित हुआ है जो कि शनि का नक्षत्र है, और मंगल भी जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो इस हिसाब से जो इस चीज को कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है, बट ये कुंडली ये बताती है कि ना ही किया जाए तो ज्यादा उचित है, या वो उस बेसिस पे किया जाए जो वो है। तो ये मेरे सिर्फ और सिर्फ मैं एक इसमें आप कह सकते हैं एक रिक्वेस्ट फॉर्म में या एक एज ए एस्ट्रोलॉजर होने की वजह से, यानी
ज्योतिष का छात्र होने की वजह से मैं निवेदन करूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है, जो कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट ने पूछा, मैंने आंसर दे दिया, और मेरा क्योंकि यूट्यूब पे जो आते हैं जो मेरी एनर्जी से जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। कोई इसमें डिस्क्लेमर के रूप में मैं ये नहीं कहता कि आपको एडवर्टाइजमेंट करवानी है या नहीं करवानी है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो क्वेश्चन बताया गया खाली ग्लैमर का यूज और ज्योतिष में झूठ बोल के बिक्री करने का यूज जो है वो उचित इस पर्सन कुंडली में नहीं आया। हो सकता है कि आप कोई और कुंडली बनाए जिस दिन की आपको पता हो समय का और आपका पॉजिटिव आंसर भी आ जाए, बट यहाँ पर जो आंसर है नेगेटिव है। तो दोस्तों देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वाला यूट्यूब चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी आगे फॉरवर्ड कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर लीजिए। आप सबके सहयोग के बगैर ये चैनल ग्रो नहीं हो सकता है, क्योंकि सच्चाई को ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है। जय श्री राम।